Hello everyone, welcome back to our podcast, Nothing Millennial About Us. This is your host, Jasraj Sokhi, and I'm joined by Ashwit Roy. Hello. So today, we have an entertaining topic for you, I guess. We had a lot of serious topics in the past, so we thought we'd lighten the mood a little and choose something that is, I guess, more enjoyable in a sense. So today, actually, a couple of days back, I was reading the article about the top earning celebrities in the world, and I was a little surprised, and I think many people on the internet also were surprised to read that Akshay Kumar was at number 4 position, and he had a total earnings of $65 million, which is 444 crores in Indian rupees. So, मैं काफी surprised था because like he was just behind like the mega superstars of this world, ऐसे Robert Downey Jr. and Rock and I think Chris Hemsworth. Only ये तीन थे जो उसे उनके ऊपर था, fourth अक्षय कुमार था. Because you know अक्षय कुमार की movies ऐसी कभी नहीं होती कि बहुत ही बड़ी blockbuster होती हैं. जैसे सलमान खान या आमिर खान की नॉर्मली होती हैं ब्लॉकबस्टर एज कम्पेयर टू जैसे आमिर खान की फिल्म या अवेंजर्स वगैरह. हाँ, मतलब खान जो इंडिया के, अगर हम इंडिया में कंपेयर करें तो खान्स आर वो द, अगर आप टॉप 20 मूवी देखो प्रॉब्ली खान्स डोमिनेट करते हैं उस पूरी लिस्ट को, जिनके 300-500 crore भी टच हो जाती है मूवीज. और अक्षय कुमार की कभी मूवीज मैंने कभी इतने रिकॉर्ड सेटिंग नहीं सुनी है. तो इट वॉज सरप्राइजिंग कि टॉप 10 में और कोई नहीं था, सिर्फ एक ही अक्षय कुमार था. बट नो, थोड़ा जब आप देखो उसकी मूवीज और उसके जो ईयरली रिलीज शेड्यूल है, उसके बाद थोड़ा लगने लगता है कि ओके, यहाँ पे थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं. क्योंकि बेसिकली अक्षय कुमार का एक सिंपल फॉर्मूला है कि वो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं निकालता जैसे खान हमारे करते हैं. और उनका फॉर्मूला है कि साल में 3-4 मूवीज करना. और लेटली उनका लास्ट 3 या 4 ईयर्स में अक्षय कुमार की बहुत ही सक्सेसफुल मूवीज रही हैं. इनफैक्ट अभी अगर आप मिशन मंगल को इंक्लूड करें तो उनकी सारी लास्ट 10 मूवीज वर वेरी बिग बॉक्स ऑफिस सक्सेसेस. और मतलब कि सबने आई थिंक 100 crore क्रॉस करा है, काफ़ी ज़्यादा. और इस तरह से आई थिंक उनकी जो रेपुटेशन एक तरह से बन गई है कि टू बी अ यू नो डिपेंडेबल एक्टर, कि अगर अक्षय कुमार मूवी कर रहा है तो प्रॉब्ली वो मूवी हिट ही होने वाली. तो ये उन्होंने आई थिंक लास्ट 4-5 साल में अपनी रेपुटेशन बना ली है. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है उनका करियर, यू नो, बिकॉज उनका हेडे इतना लेट आ रहा है एक तरह से. ऑलमोस्ट 25 साल से वो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, बट आप 25 साल के बाद उनका रियली आप कह सकते हैं टॉप लाइन एक्टर बन गए हैं. तो यू नो अश्विन, तुम भी कहते कि उनका काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन रहा करियर में, तो तुम मतलब कैसे उन्होंने अपने आप को चेंज कराया ओवर द डेकेड्स? आई गेस अक्षय कुमार जब आए थे 91 में तो वही टाइम था जब शाहरुख खान और आमिर खान और सलमान खान आए थे. बट आमिर, शाहरुख और सलमान ने 90s से ही सुपरस्टार स्टेटस ले लिया था. बट अक्षय थोड़ा वहाँ स्ट्रगल किया था क्योंकि वो बेसिकली एक्शन फिल्म्स कर रहे थे और थोड़ा सा बी ग्रेड बी फिल्मों में ज़्यादा डैबल कर रहे थे. तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उन्होंने काफ़ी फ्लॉप्स भी देखी. आई गेस उनकी एक टाइम था कि एक जानवर करके फिल्म आई थी जिस शायद कोई रिमेंबर नहीं कर रहा कशवा कपूर साहब. तो वो 17 फ्लॉप के बाद उनकी एक एवरेज फिल्म गई थी. उस समय में फ्लॉप भी ज़्यादा होते थे 90s में. फिर उन्होंने हेरा फेरी की और वहाँ से टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया कि जो एकदम प्योर एक्शन हीरो था, जो शायद हेरा फेरी में एक भी एक्शन सीन नहीं था. तो उन्होंने वहाँ एक फॉर्मूला पकड़ लिया था कि प्रियदर्शन को के साथ उनको कुछ कॉमेडी फिल्में करनी है और साथ साथ कुछ कुछ एक्शन फिल्में करनी है. देन वो उनका थोड़ा शिफ्ट हुआ, वो साजिद खान के साथ थोड़ी सी ओवर द टॉप कॉमेडी करने लगे और फिर थोड़ा सा इनका फेज़ आया कि जिसमें फ्लॉप फिल्म्स आने लगी. तो आई गेस उनकी जो लास्ट मैं कहूँगा मेजर फ्लॉप थी वो 2013 में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, तो बहुत ही बेकार पिक्चर है. बट उसके बाद सम आफ्टर सम मिडलिंग फिल्म्स लाइक एंटरटेनमेंट एंड शौकीन्स, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला पकड़ लिया जिससे वो उन्होंने अपना पूरा इमेज ही चेंज कर दिया. एक्चुअली दैट कोइंसाइडेड विद द राइज ऑफ राइट विंग इन इंडिया एंड मिस्टर नरेंद्र मोदी. तो जो इंडिया का जो पॉलिटिकल और सोशल कल्चर था, एंड लीव अपसाइड राइट विंग, एक थोड़ा सा सोशली कॉन्शियस होने लगा था. सो आई रिमेंबर अक्षय कुमार बहुत प्राउडली कहते थे मैं दिमाग वाली फिल्में नहीं कर सकता, ये कोई देखने नहीं आता है. बट एक्चुअली उन्होंने लास्ट 4 साल में बहुत ही जो सोशल अवेयरनेस या पेट्रियाटिज्म से लिंक फिल्में करने लगे. और इस पिछले 4-5 सालों में इस तरह का जो इस मार्केट, जिसे कहे कि जो देशभक्ति वाली फिल्मों का मार्केट है या सोशल अवेयरनेस का मार्केट है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है.
अब लेकिन इस ये फिल्में भी ऐसा नहीं होता कि बोरिंग होती है, जैसे कि आर्ट फिल्में होती हैं वो अच्छी होती है बट शायद मास को पसंद नहीं आती है। बट जो ये बनाते हैं वो उसे कॉमेडी के ही एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में आते हैं। जैसे अब आपके शुभ मंगल टॉयलेट एक प्रेम कथा, अब वो फिल्म खैर मुझे तो बहुत अच्छी नहीं लगी थी, बट टॉयलेट के ऊपर फिल्म कौन बना सकता है आज के दौर में? और इतनी वियर्ड टॉपिक पे उन्होंने कॉमेडी फिल्म के उसमें एक बनाने का किया, तो ये बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंटल थी। दूसरा पैडमैन, कि सैनिटरी पैड पे फिल्म बनाना कोई नहीं सोच सकता था। नहीं, कुछ जेन्युइनली अच्छी फिल्में भी की, जैसे एयरलिफ्ट, वो भी एक मतलब थोड़ा रिस्क की टॉपिक था, इराक में एयरलिफ्ट दो लोगों को लेके आए थे, किसी ने सुना भी नहीं था शायद। नहीं। या बेबी हो गई फिल्म जो स्पोनियाज पे थी, वो भी थोड़ा सा अलग सा था, स्पेशल 26। तो इस तरह की जो अलग से इन्होंने अच्छे डायरेक्टर्स को स्पॉट किया, और जो पहले प्योर एक्शन करते थे वो थोड़ा सा थ्रिलर में जाने लगे, कुछ सोशल अवेयरनेस की फिल्में करने लगे। फिर केसरी जो पॉसिबली वन ऑफ द बिगेस्ट पेट्रियोटिक फिल्म है अभी रिसेंट टाइम्स की, तो इस और मिशन मंगल, और खासकर विमेन अवेयरनेस और विमेन इश्यूज पे भी बहुत फोकस किया हुआ। आप देखें टॉयलेट वाला इशू हो गया, या पैडमैन हो गया, या मिशन मंगल हो गया, तो इन्होंने विमेन को फोरफ्रंट पे रखा है। मिशन मंगल में भी मेरे ख्याल से इनका सपोर्टिंग रोल ही है, जो मेन रोल उन्होंने उनका रखा है, तो ही इज़ नॉट इनसिक्योर। सो इस तरह से उन्होंने अपना एक अलग नीश क्रिएट कर दिया है, जो शायद अब पुराने खान स्ट्रगल कर रहे हैं। अब सलमान खान की भी एक पेट्रियोटिक फिल्म आई है भारत, बट वो बहुत ही क्लीशे वाली है, जो लोगों को कुछ मिला नहीं। अब पॉसिबली इंडियंस जो है अब एक फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो वो देखना चाहते हैं कि क्या टॉपिक रेस कर रहे हो, कि जो कि जिसमें उनको लगे भी ये टॉपिक सॉल्व भी करना है, बट ये भी ना लगे कि हमारा कंट्री ख़राब है। तो ये दो चीज़ें मिला के अक्षय कुमार एक अच्छा पैकेज दे रहे हैं। या डेफिनेटली आई थिंक उनका जो पूरा पेट्रियोटिक से जो एयरलिफ्ट से ही स्टार्ट हुआ था, तो उससे पहले तक तो आई थिंक काफ़ी हाउसफुल टू और शॉकिंग ही कर रहे एंटरटेनमेंट, मतलब एक तरह से चीप कॉमेडी। बट हाँ ये तो है कि आई थिंक एयरलिफ्ट के सक्सेस ने ही मे बी ट्रिगर भी करा है और उनके चेंज को, और आई थिंक उन अपने आप को हमेशा ट्रांसफॉर्म करते रहे, जब भी हर अपने बड़े फेलियर के बाद उन्होंने अपने आप को चेंज कराया, तो आई थिंक उसमें एयरलिफ्ट का तो है। और यू नो उन्होंने ही इज वेरी वोकल ऑल्सो अबाउट इट, क्योंकि मैं उनके जैसे ट्वीट्स और सब आप देखो तो वो खुद ही कहते हैं कि मेरे को विमेन एक्टर से कोई डर नहीं लगता, और मुझे मल्टी स्टारर मूवी से भी कोई डर नहीं लगता, जैसे मिशन मंगल में भी इतनी सारी सेलिब्रिटी, इतनी सारी एक्ट्रेसेस हैं, तो ही इज ऑल्सो बीन वेरी यू नो इंक्लूसिव। आई थिंक इस वजह से उनकी एक सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री में रेपुटेशन भी बहुत अच्छी होगी। इट्स नॉट कि सिर्फ पैसे की बात नहीं, मतलब फाइनेंशियली तो उनकी मूवीज अच्छी हो ही रही हैं, बट यू नो अगर आप एक इंक्लूसिवनेस सॉर्ट ऑफ लाते हैं उसमें, यू नो जिसमें स्पेशली मैं बोलूँगा कि खान्स आर गिल्टी ऑफ नॉट डूइंग दैट, कि उनकी हमेशा होता है कि जो खान है ही इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, या तो उसमें वो हो जाता है कि बाकी सब सेकेंड ग्रेड में रह जाते हैं, बट इन्होंने हमेशा चेंज किया। इवन एयरलिफ्ट में भी निमृत कौर को उनकी जो वाइफ का काफ़ी पावरफुल रोल था, ऐसे नहीं था कि वो शिवज बस उनकी एक बीवी है जिसका उसमें डाला था, उसमें भी काफ़ी उन्होंने उनको अच्छा रोल दिया था। तो इस तरह से आई थिंक ये भी एक इट्स नॉट जस्ट द पेट्रियोटिक क्राउड को टारगेट कर रहे हैं, आई थिंक वो फेमिनिस्ट क्राउड को भी टारगेट कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग यू नो। और इसका मतलब सक्सेस तो है ही ऑब्वियसली, मतलब उनके पैसे बना ही रहे हैं और प्रोड्यूसर्स भी खुश हैं यू नो, बिकॉज अब ऐसा हो गया कि डिपेंडेबल कुमार उनका नाम आई थिंक कुछ ऐसा है कि उनकी अगर मूवी आ रही तो मोस्ट प्रॉबली वो सक्सेस करेंगे। और एक और चीज़ जो मैं काफ़ी सुनता हूँ इज अबाउट इज वर्क एथिक्स, मतलब कि वो बहुत ही हार्डवर्किंग इंसान है, और यू नो अगर जिस टाइप की मूवीज वो कर रहे हैं दे आर नॉट लाइक कि आप दो या तीन महीने में उसको शूट करके फटाफट रैप अप कर सकते हैं, बट काफ़ी उसमें मेहनत इन्वॉल्व है। जितने ज़्यादा एक्ट्रेसेस या एक्टर्स होते हैं एक मूवी में उतना ही उसका प्रोडक्शन मुश्किल होता है, बट उसके बावजूद वो हर साल तीन या चार मूवी निकाल रहे हैं, शोज की उनका डेडिकेशन कितना है और कितना हार्डवर्किंग है। और एक और जो मुझे बड़ा उनका उनके करियर के बारे में अच्छा लगता है इज़ द ही हैज़ अ वेरी सच क्लीन इमेज, उनके ऊपर कभी भी बहुत कोई बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हुई, उन्होंने कभी ऐसे एक्यूजेशन नहीं आए कि उनके नो पहले आते थे हाँ मतलब शादी से पहले प्रॉब्ली आते हो, बट कि उन्होंने कभी किसी मी टू मूवमेंट में ऐसे कभी किसी ने उनको अक्यूज नहीं करा उनके अगेंस्ट, और यू नो फ्लर्टेशियस और वो सब टाइप होने की भी उनकी रेपुटेशन नहीं है, बहुत ही उनकी क्लीन इमेज है। तो आई थिंक वो एक भी अच्छी बात है यू नो, बिकॉज काफ़ी टाइम से जो कह सकते हैं जो मेल डोमिनेशन है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, आई थिंक वो उसको ब्रेक कर रहे हैं।
और एक यू नो एक अच्छी रेपुटेशन का होना भी काफ़ी मैटर करता है बिकॉज दैट कीप्स योर ऑडियंस यू नो यू हैव दैट डेडिकेटेड ऑडियंस जो आपकी मूवी देखने आएंगी जस्ट बिकॉज फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट जिसे कह सकते हैं ये नहीं कि आप सलमान खान जो है जो आइटम नंबर्स डालते रहते हैं या जो शाहरुख खान है जो सेक्सी एक्ट्रेसेस जिन्हें चाहिए होती हैं तो वो सब उनकी ज़रूरी नहीं है उनको एक अच्छी स्क्रिप्ट एक क्लीन स्क्रिप्ट है जहाँ पे पूरी फैमिली आके देख सकती है तो आई थिंक उसमें उनका वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो है और यू नो उसका सबसे बड़ा आई थिंक आउटकम मैं तो ये बोलूँगा कि जो उन्होंने मोदी का भी रिसेंटली इंटरव्यू लिया था जो ऑब्वियसली काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल था कि इट इज़ कि पूरा जैसे स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था वो सब इश्यूज़ तो उस इंटरव्यू में है बट यू नो प्रेस ने आज तक मोदी का इंटरव्यू नहीं मिला बट उन्होंने फाइनली एक इंटरव्यू दिया तो अक्षय कुमार को विच सेज अ लॉट बिकॉज देन दैट शोज कि कितना उठ चुके हैं बाकी एक्टर्स के ऊपर बट इस पर ये भी पॉइंट है कि यहाँ कई सारे एक्टर्स कई सारे सुपरस्टार्स रहे हैं बट अक्षय कुमार को ही क्यों ये मौका मिला वो स्टेज पे कैसे आए तो ये एक मैं कहूँगा एक केयरफुली पीआर स्ट्रेटजी भी थी जो काफ़ी सालों से उन्होंने बिल्ड किया एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट क्योंकि जो कई बार ऐसा जो अंडर करेंट होता है जो कमेंट करते हैं खासकर जो वीडियोज़ में या आर्टिकल्स में फिल्म आर्टिकल्स में मतलब कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि बॉलीवुड जो है जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड है वो बहुत ज़्यादा एंटी नेशनल है तो कई बार ये फीलिंग आती थी कि खासकर इंडो पाकिस्तान रिलेशन को लेके कि पाकिस्तानी एक्टर्स वर्क कर रहे हैं या इंडियन एक्टर्स वहाँ जाके कॉन्सर्ट कर रहे हैं तो जो मेन स्ट्रीम जनता है हमारी उनको ये प्रॉब्ली लगता था कि जो टॉप लेवल ऑफ बॉलीवुड है वो थोड़ा एंटी नेशनल हो रहा है एंड आई गेस यही एक रीज़न ये भी एक रीज़न है कि काफ़ी लोग अब जो पुराने स्टार्स थे उनको थोड़ा सा डिसलाइक करते हैं ऑल्दो इससे उनकी फिल्म बिजनेस को अफेक्ट नहीं कर सकता कोई क्योंकि लोग तो देखेंगे ही फिल्म अगर अच्छी एंटरटेनमेंट हो बट अक्षय कुमार में उनको ये दिखता है कि ही इज़ वन पर्सन जो अपना पेट्रियोटिज्म अपने चेस्ट मतलब अपने सामने रखते हैं और लोगों को खुल के बताते हैं जैसे कंगना रनावत भी हैं ऐसे एक्ट्रेस जो कि करती हैं बट अक्षय कुमार कभी डिस्पाइट होल्डिंग अ कनेडियन सिटीजनशिप जो कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है आई थिंक उनकी सबसे लेटेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी कि उनका कनेडियन लेकिन अगर आप देखा जाए कि ठीक है कनेडियन सिटीजन है तो ऐसे आलिया भट्ट भी शायद ब्रिटिश है और भी बहुत सारे एक्टर उनकी फॉरेन सिटीजनशिप है बट इन दी एंड वो यहाँ सोशल वर्क कर रहे हैं अब चाहे कोई भी एजेंडा हो बट कर तो रहे हैं उनका काफ़ी बड़ा सोशल वर्क का है यहाँ का और दूसरा उन्होंने ये जो ऑडियंस तो ये एक चैलेंजर थे खान्स को जैसे आपने कहा कि खान्स छोटे रोल नहीं करते अब शाहरुख खान ने एक छोटा रोल किया था डियर जिंदगी में बट प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि वो सुपर स्टार्स हैं तो वो वहाँ से नीचे आना उनके लिए टफ होता है बट ये सुपर स्टार से ऊपर जा रहे हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं तो शायद खान्स अफोर्ड नहीं कर सकते और उन्होंने अपना जो पोजिशनिंग की थी वो उन्होंने बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन था बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप देखिए प्री 2015 उन्होंने शायद ही कोई सोशली रेलिवेंट फिल्म मुझे नहीं याद आ रही अक्षय कुमार की कोई थी या इवन इंटेलिजेंट अगर कोई फिल्म का हेरा फेरी को छोड़ दे मेरा तो एक खट्टा मीठा करके फिल्म थी उसमें थोड़ा सोशल इशू था वरना बाकी किसी फिल्म में कोई एज सच कोई इशू नहीं थे बट उन्होंने वहाँ से एक नया फॉर्मूला तैयार किया कि कैसे हम सोशल इशूज़ को एक मेन स्ट्रीम ऑडियंस को बेचे जो कि इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है अब बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स और एक्टर्स रहे हैं नसरीन शाह गोविंद निहलानी श्याम बेनेगल अनुराग कश्यप तो वो प्रॉब्ली सोशल इश्यूज़ उठाते हैं बट वो उसको पैकेज नहीं कर पाते और इवन जब आर्ट फिल्म के डायरेक्टर्स या एक्टर्स मेन स्ट्रीम में आते हैं उसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही बुरे अटैम्प्ट होते थे शाहरुख खान की पहली तो प्रॉब्ली एकदम ही फेल हो गई थी बट इन्होंने कुछ अच्छे डायरेक्टर्स सेलेक्ट किए और जो कि इस तरह के कॉम्बिनेशन को सक्सेसफुल कर सकते थे अब स्पेशल 26 हो गया बेबी हो गया एयरलिफ्ट हो गया इन अनकन्वेंशनल अगर ये स्क्रिप्ट्स अगर शायद किसी और तरीके से अटेम्प्ट की जाती है पैडमैन होती है या तो बहुत क्लीशेड बन जाती है या फिर बहुत ज़्यादा आर्ट हाउस चल जाती है अच्छी भी बना सकते थे बट वो आर्ट हाउस में चल जाता तो अक्षय कुमार ने अपनी पॉपुलैरिटी को इससे इन सब फिल्मों से अक्षय कुमार की जो पॉपुलैरिटी है जो रूलिंग पार्टी है उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वो नरेंद्र मोदी तक पहुँच पाए थे कि उनका इंटरव्यू लेने का उनको मतलब ये ऑनर मिला एक तरीके से कि वरना कोई किसी एक्टर को बॉलीवुड से खासकर जो बीजेपी के जो वोटर्स है जो रूलिंग पार्टी के उनका काफ़ी ऑपोजिट रिलेशन रहता है
बट अक्षय कुमार में उनको ये दिखता है कि दिस इज आर सुपरस्टार, ये नेशनलिस्ट है, ये पेट्रियोटिक है, और यही चीज़ अब मिशन मंगल जो कि इंडिया के अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रही है, तो इसमें इनको बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि अब एक रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करती है वहाँ आते हैं, और प्लस इन सब चीज़ों से गवर्नमेंट से भी अच्छे रिलेशन बनते हैं, एंड लेट्स एक्सेप्ट गवर्नमेंट से अच्छे रिलेशन हर चीज़ में काम आते हैं, ही इज़ ऑल्सो बिजनेसमैन, वो प्रोड्यूस करते हैं फिल्में, तो ये सब चीज़ें भी उनकी इमेज के और उनके जो बॉक्स ऑफिस अपील को बहुत अफेक्ट करती है। तो यार आई थिंक ये काफ़ी सही पॉइंट है हमारा कि वो नेशनलिज्म की मूवी से उनको एक पॉलिटिकल थोड़ा एफिलिएशन भी मिल रहा है, और आई थिंक यू नो ये सुनने में थोड़ा गलत लगता है कि आप एंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स को मिक्सअप करें, बट आई थिंक अब आज की दुनिया में आई थिंक ये थोड़ा कॉमन भी हो गया काफ़ी, बिकॉज जो पॉलिटिशियंस को एज सॉर्ट ऑफ द ओल्ड पीपल जो सिर्फ राज्यसभा या लोकसभा में बैठे रहते हैं, वो थॉट प्रोसेस काफ़ी चेंज हो चुका है, और आई थिंक ये हर कंट्री में देख सकते हैं, चाहे आप यूएस में बैरक ओबामा को देखें या जो यू नो काफ़ी टॉक शोज और सब में आ चुके हैं, और इनफैक्ट हमारे मोदी जी जो अभी रिसेंटली वो बियर ग्रिल्स के एपिसोड पे आने के लिए काफ़ी जो काफ़ी बड़ा हिट टेलीविजन एपिसोड था, तो आई थिंक वो काफ़ी जो लाइन से वो ब्लर हो चुके हैं दोनों की, अब ऐसे नहीं है कि अगर कोई पॉलिटिशियन या इवन प्राइम मिनिस्टर अगर किसी एक्टर के साथ एफिलिएटेड है तो उसमें कुछ बुरा है, आई थिंक वो इट्स जस्ट हैविंग ग्रेटर एक्सेस टू द पब्लिक, जो आई थिंक इट्स quite normal अगर आप movies देख रहे हैं तो you know it's I think it's not now that sort of norm, और ये पहले भी था, ये ऐसा नहीं कि अभी हुआ है, जो इंदिरा गांधी एक बहुत फेमस फोटो है कि इंदिरा गांधी बैठी हुई है पूरा बॉलीवुड को जमीन पे भी बैठे हैं, सुपर स्टार सुनील दत्त और राज कपूर नरगिस इन सब के गांधी फैमिली से बहुत अच्छे कनेक्शन थे, तो अब क्योंकि जो मेन पावर है वो अपोजिट हो गई कांग्रेस के, तो अब ऑब्वियसली एक्टर अपनी एफिलिएशन चेंज कर रहे हैं, एंड लिंक होने से ये यूएस में भी कल्चर है कि एक्टर्स बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल होते हैं, इलेक्शन के वक्त ट्वीट करते हैं, काफ़ी कैंपेन भी करते हैं, तो इससे दोनों को ही फायदा होता है, पर आई थिंक नहीं सही बात है, एंड आई थिंक इससे एक फायदा है बिकॉज यू नो जैसे एक पैडमैन का अगर टॉपिक लें तो ये एक ऐसा मूवी है जो सलमान खान या शाहरुख खान कभी नहीं करेंगे, या तो एक को अपने मतलब एक की भाई वाली इमेज और एक की वो रोमांटिक स्टार वाली इमेज है, बट इससे क्या होता है कि इट इज़ सच अ इम्पॉर्टेंट सोशल इशू है ये कि सैनिटरी पैड्स उसके बारे में, एंड इट अगर एक बड़ी ऑडियंस को तक जाना है ये मैसेज तो एक इट हैज़ टू बी सम सुपरस्टार, तो अक्षय कुमार ने एक जो इमेज की जो बना दी है कि वो मिशन मंगल में इसरो के साइंटिस्ट का भी रोल प्ले कर सकते हैं और एक वो गांव में एक सैनिटरी पैड बेचने वाले इंसान का भी रोल कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि लोग चाहे सिर्फ अक्षय कुमार की मूवी देखने के पर्पज़ से आ रहे हैं बट अगर वो उस सोशल इशू के बारे में थोड़ा 2% इन्फॉर्मेशन भी लेके चले जाते हैं तो दैट उसका कितना इम्पैक्ट आगे जाके हो सकता है, क्योंकि गांव में मूवी होती है और स्पेशली मुझे याद है पैटमैन आई थिंक यूपी में उसको टैक्स फ्री कर दिया गया था, तो आई थिंक जो लोअर लेवल्स और इकोनॉमिक लेवल्स पे जो लोग हैं वो शायद वो मूवी देख पाए, मे बी जस्ट बिकॉज अक्षय कुमार की तरफ से वो आ रहा है मैसेज, तो इट मेक्स इट मोर एक्सेप्टेबल इन दैट वे, एंड प्रॉब्ली आप जितने आर्टिकल लिख ले जितने टॉक शो इंग्लिश में कर ले बट उससे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि पैटमैन की जैसी फिल्म से करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सेसिबल होगी, वो लोगों को समझ में आएगी, इससे टॉयलेट एक प्रेम कथा कर ले, मतलब ये स्वच्छता प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का है उसका सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट था ये, और देयर इज नथिंग रॉन्ग कि अब जितना ऐड कर रहे हैं मोदी जी ठीक है सब कुछ चल रहा है, बट जब इसको आप रियल जब पर्दे बड़े पर्दे पे आप देख रहे हैं एक स्टोरी फॉर्मेट में तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा बात जाती है, एंड दिस इज़ गुड एक्चुअली, अगर उससे ये फिल्म की और उन्होंने पैसा कमाया वो ठीक है, बट उन्होंने गवर्नमेंट के सोशल इनिशिएटिव को भी हेल्प किया, एक तरीके से गवर्नमेंट प्रोग्राम की हेल्प थी, और इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है, गवर्नमेंट प्रोग्राम के लिए लोग 100 करोड़ की फिल्म बना रहे, कितने सारे लोग देख रहे हैं, फिर स्ट्रीमिंग पे देख रहे हैं, तो ये तो बेस्ट गवर्नमेंट ऐड होगा जो कि विदाउट कॉस्ट बन गया है, और स्पेशली तुम सक्सेस की बात करो कि ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने यू नो फाइनेंशियल सक्सेस को लॉस पर डाल दिया है, क्योंकि अभी जो रिसेंट फिगर्स है कि पर मूवी ही स्पेड लाइक 54 करोड़ लेते हैं वो हर मूवी का, विच इज़ ह्यूज, और स्टिल उस लेवल की इनकम कमांड करने के बावजूद वो इतनी सोशल इश्यूज भी कर सकते हैं, बेसिकली इट्स फाउंड लाइक द गोल्डन यू नो टच जिसे कह सकते हैं कि आप कोई भी छोटा से छोटा सॉर्ट ऑफ नॉट दैट यू नो इजी टू हैंडल टॉपिक आप ले सकते हो, उसके बाद आप उस पर पैसे भी बना रहे हो
और यू नो सोसाइटी को भी बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज वेरी एडमायरेबल मुझे ऐसा लगता है। और इसके अलावा वो कमर्शियल मूवीज भी कर रहे हैं, जैसे हाउसफुल 4 आ रही है उनकी, तो एकदम ही ओवर द टॉप कॉमेडी होगी, या सूर्यवंशी, जो डीसीपी सूर्यवंशी करके एक फिल्म आने वाली है, सिंघम वाले डायरेक्टर है, जिसका भी शायद सिम्बा में भी उनका कुछ रोल था, सिम्बा यूनिवर्स बन गया कुछ उसमें, कनेक्टेड शेयर्ड यूनिवर्स। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल ऑडियंस है उसको भी इंगेज कर रखा है। और मेरे ख्याल से ये जिस एज पे अक्षय कुमार है, अभी 28 साल हो गए उनके करियर के, तो एज तो मुझे नहीं पता उनकी क्या है, बट ऑब्वियसली 51 बोल रहे हैं, 54 मान लें अगर, तो अब ये एक ऐसी एज है कि वो बहुत लंबे समय तक लीडिंग मैन का कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकते हैं। तो उनका जो ट्रांजिशन है उन्होंने वो तैयार कर रखा है, जैसे मिशन मंगल हो गया, अब इन सब फिल्में केसरी हो गई, इन सब फिल्मों में थोड़ा सा वो धीरे धीरे करके जो एज वाले रोल है और साथ साथ ट्रेनिंग रहे फिल्में, तो वहाँ पे वो ट्रांजिशन कर सकते हैं। वो लवर बॉय या रोमांटिक रोल करने का जैसे शाहरुख खान पे प्रेशर है, वो प्रेशर उनके ऊपर नहीं है। अब वो चाहे तो कोई ऐसी फिल्म कर सकते हैं, तो प्रॉब्ली किसी फिल्म में साइंटिस्ट बन सकते हैं जो कि मिडिल एज है फॉर एग्जांपल, और वो उसे कैरी आउट कर लेंगे। जैसे मिशन मंगल में भी शायद वो थोड़े मिडिल एज कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इसी तरह किसी फिल्म में शायद कोई मिडिल एज फ्रीडम फाइटर बन सकते हैं। वो ट्रांजिशन फेज में आ गए, उनको एकदम से ट्रांजिशन नहीं करना पड़ेगा ऑडियंस को, देखना कि अरे ये तो अभी तक तो यंग प्ले कर रहे थे। और वो जो रोबोट फिल्म थी उसमें विलेन भी थे वो, तो ये भी एक बड़ी बात है कि इस लेवल पे आके भी वो विलेन बनने को तैयार है। तो उन्होंने अपना जो नेक्स्ट जर्नी, नेक्स्ट ट्रांजिशन है, वो भी जो सबसे टफ होता है, अमिताभ बच्चन को भी डिफिकल्टी हुई थी करने में, तो वो भी तैयार कर रखा है। और प्रॉब्ली शाहरुख खान उसमें थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो जो यंग रोल से वहाँ तक आने में जो एक सीनियर कैरेक्टर का प्ले करना था रोल, वो बीच का स्टेज था उसमें वो थोड़ा स्ट्रगल कर गए। यार डेफिनेटली मुझे तो जितना अक्षय कुमार ने सक्सेस ढूंढ पाया है लास्ट 4 साल में, आई थिंक शाहरुख खान ने उतना ही फेलियर्स ढूंढे हैं। आई थिंक उनकी आई डोंट थिंक लास्ट 5-6 मूवीज में कोई भी हिट रही है किसी भी तरीके से, और क्रिटिक्स ने भी उनकी मूव्स को डिसलाइक किया और ऑडियंस ने भी बहुत ज़्यादा कराया, तो आई थिंक शाहरुख खान को तो काफ़ी ज़रूरत है टू फॉर अ चेंज। बट या ये तो है मतलब कि अक्षय कुमार की डाइवर्सिटी इज लाइक अनमेजरेबल इस समय पे, और वो कुछ भी लिटरली कोई भी मूवी और स्क्रिप्ट उठा सकते हैं और आई थिंक उसको सक्सेस बना सकते हैं। और आई थिंक उससे ये भी फायदा होता है कि अब उनके प्रेजेंस की वजह से लोग ऐसी स्क्रिप्ट लिखने को रेडी भी हो रहे हैं, बिकॉज नॉर्मली अगर आप एक स्क्रिप्ट राइटर हो और आपको अगर सैनिटरी पैड में कोई मूवी बनाने को बोले तो आप रिजेक्ट ही कर दो, बिकॉज उनको ही पता कि इसको हिट सक्सेस नहीं मिलने वाला, कोई इस इश्यूज को उठाएगा ही नहीं। बट नाउ क्योंकि अक्षय कुमार हैं एज अ टारगेट एक्टर, तो यू नो प्रॉब्ली स्क्रिप्ट राइटर्स को भी थोड़ा फ्रीडम मिलेगा। बट ये भी है कि जैसे कि स्क्रिप्ट तो थी जैसे आयुष्मान खुराना करते हैं, बट मेन स्ट्रीम एक्टर्स में ऐसी फिल्में कम करते हैं लोग। और मेरे ख्याल से अक्षय कुमार और दूसरा जॉन इब्राहिम भी काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट देते हैं, और मेरे ख्याल जॉन इब्राहिम ने तो नो स्मोकिंग किया था, वो तो 12 साल पहले, तो अभी भी लोगों को कम समझ आती है, उन्होंने उस समय में ट्राई किया था, वो तो बहुत ही ज़्यादा था। बट मेन चीज़ है ये दो सुपरस्टार ऐसे हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल फिल्म, या एक्सपेरिमेंटल तो मैं नहीं कहूँगा, एक्सपेरिमेंटल तो नहीं है ये, है तो उसी फ्रेमवर्क में, बट एटलीस्ट कुछ अलग स्क्रिप्ट ट्राई करने को तैयार है। तो ये उनके बॉक्स ऑफिस में भी दिख रहा है कि प्रॉब्ली अब लोग ना लोगों को स्टोरी चाहिए कि स्टोरी कैसी है, और खासकर अगर वो सोशली लिंक्ड हो या पेट्रियोटिक हो तो ज़्यादा फ्लेवर लोगों को अच्छा लगता है। तो स्क्रिप्ट वाली फिल्में लोगों को पसंद आ रही है, और जॉन इब्राहिम भी इन्हीं के साथ काफ़ी, अक्षय कुमार से काफ़ी मूवी करते हैं वो भी, तो वो भी इसी तरह काफ़ी आगे आ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी फिल्मों में ये तभी बाटला हाउस आ रहा था, तो एक बाटला हाउस इनकाउंटर का इशू उठाया था कि उसके बाद दो ब्लेम्स हुए थे पुलिस पे। तो ये जो स्क्रिप्ट वाली फिल्में हैं ये सलमान खान या शाहरुख खान नहीं ले रहे। अब आप शाहरुख खान की लास्ट फिल्म देखे जीरो या हैरी मेट सेजल में, तो हैरी मेट सेजल ऐसा था कि अगर आप उसका स्क्रिप्ट कहीं डाउनलोड कर सके तो उसमें मैं देखना चाहता हूँ कि क्या स्क्रिप्ट थी वो, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि सीन्स है चेक रिपब्लिक में शूट कर दिए, बस में शूट कर दिए, तो एक सीन से दूसरे सीन जा रहे, बट कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मतलब आप रोमांटिक फिल्म बना रहे तो कुछ तो प्लॉट होना चाहिए, बट प्लॉट ही नहीं है। और भारत थे सलमान खान की ट्यूबलाइट तो मैंने देखी, वो भी ट्यूबलाइट ही थी तो अब कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, तो फिर आप लोग भी बोर जाते हैं, क्योंकि अब मूवी टिकट्स भी बहुत महंगे होते जा रहे हैं, और हर बार यही माइंडलेस सिनेमा देखना लोगों को उतना पसंद नहीं आता। खासकर अब तो जैसे जॉन इब्राहिम के साथ आई थिंक विकी कौशल भी आई थिंक जो थोड़ा इस मार्केट को टैप करना, हाँ क्योंकि विकी कौशल, अनुरा और ये आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, इन लोगों को तो यही स्क्रिप्ट मिलती है, बिकॉज काइंड ऑफ इनको ब्लॉकबस्टर फिल्मों का भी तो ट्रेडिशनल ब्लॉकबस्टर का उतना ऑफर नहीं आता, तो दे
वो तो चैलेंज कर ही रहे हैं, तो अक्षय कुमार ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब अक्षय कुमार उनसे कम्पीट कर सकते हैं क्योंकि वो उसी फ्रेम ऑफ स्क्रिप्ट या उन्हीं डायरेक्टर्स के साथ वो भी काम कर रहे हैं जो कि आयुष्मान खुराना के साथ काम करना चाहते हैं. तो अब तो उनके लिए बल्कि और विन विन सिचुएशन है कि सपोज राघवन जो जिन्होंने डायरेक्ट की थी अंधाधुन, वो प्रॉब्ली अक्षय कुमार को भी अप्रोच कर सकते हैं अपनी फिल्मों के लिए, तो पहले अप्रोच नहीं कर सकते थे बाकी स्टार्स को. तो शाहरुख खान को भी अब शायद थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए और कुछ छोटे रोल से या कुछ एटलीस्ट उन्होंने उनकी भी फिल्में ऐसा नहीं कि एकदम फ्लॉप हो जाती है, मतलब वो बहुत बेकार फिल्म भी करेंगे तो 100 करोड़ तो टच कर ही जाते हैं, उनका स्टेटस ऐसा है. बट उनको भी अब शायद जैसे चकदे और स्वदेश उन्होंने किया था, जो कि स्वदेश तो खैर बहुत ही लैंडमार्क फिल्म थी, तो उस तरह का रिस्क उनको लेना चाहिए अब. राइट, या आई थिंक काफ़ी क्लियर है कि मतलब अक्षय कुमार हैज सॉर्ट ऑफ लेट दिस होल न्यू रिसर्जेंस इन पेट्रियोटिक मूवीज एक तरह से कह सकते हैं, विच इज ऑल्सो कम्बाइंड विद द होल पॉलिटिकल सिनेरियो जो इंडिया में चल रहा है. आई थिंक दोनों का हैंड इन हैंड ये ग्रोथ हो रहा है और आई थिंक अच्छा है बिकॉज इंडिया को जरूरत है उस टाइम की, आई थिंक नेशनल आइडेंटिटी की. और आई थिंक जो एक बड़े सुपरस्टार और एक जो बड़ी मूवी जितना चेंज और वेव ला सकती है, आई थिंक वो किसी और में वो पार कम ही होती है बिकॉज दीज एक्टर्स को लोग एकदम यू नो आइडल्स की तरह देखते हैं अपने. तो उन वो अगर कुछ बोलते हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा यू नो वेट होता है कंपेयर टू एनी पॉलिटिशियन या आपके कोई वॉट एवर आप जिसको और फॉलो कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं. तो आई थिंक उसमें अच्छा है और अक्षय कुमार हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब. उनकी मूवीज़ बहुत सही हैं, उनके स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी हैं, ही इज़ प्रमोटिंग विमेन एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स, एंड आई थिंक अराउंड एंड राउंड एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड फॉर हिम. एंड आई थिंक आई शॉर विश हिम बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल हिज अदर मूवीज एंड और फ्यूचर में भी. मैं तो उनके आई थिंक सारी मूवीज ही देखता हूँ और फ्यूचर में भी देखता रहूँगा. तो ग्रेट वर्क बाय हिम एंड आई रियली एडमायर हिम फॉर हिज जॉब. So yeah, I think I personally definitely feel that he deserves that fourth rank of highest paid actors and $65 million. And एक और बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है कि टू सी अ बॉलीवुड स्टार एट दैट स्टेज, यू नो उनके साथ जो इतने बड़े बड़े नाम जिसको आप अवेंजर्स और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए ये करना बहुत आसान है क्योंकि उन्होंने एक स्पेसशिप पकड़ ली है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है. अब उन्होंने एक फिल्म कर ली है, क्रिस हेम्सवर्थ ने एक कर दी है, तो वो बहुत आसान है उनके लिए इतना पैसा कमाना. बट उसके बाद आगे क्रिस हेम्सवर्थ की भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फिल्म नहीं है एमसीयू के बाहर, तो उनके लिए 2-3 पे आना बहुत इजी है क्योंकि मार्वल तो सबको कैरी आउट करेगा ही. नहीं, वो अच्छा एक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, प्रॉब्ली शायद बेटर भी हो अक्षय कुमार से एक्टिंग में उनका. बट कमर्शियली उनके लिए भी बहुत मुश्किल है एमसीयू के बाहर कोई हिट लाना. बट अक्षय कुमार के पास ऐसा कोई नहीं है एमसीयू टाइप का, तो वो खुद ही अपना क्रिएट कर रहे हैं चीज़ें. तो ये मैं कहता हूँ एटलीस्ट रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस हेम्सवर्थ से ज्यादा टफ था उनके लिए यहाँ तक पहुँचना. आई थिंक रॉक से कंपेयर कर लीजिए जो नंबर वन. हाँ, रॉक का भी है. आई थिंक अक्षय कुमार और रॉक हैं जो एक्चुअली उस लिस्ट में रियली अभी होना डिजर्व करते हैं. अपने दोनों अपने सक्सेस पे आए हैं वहाँ तक कंपेयर टू एक मार्वल का जो यूनिवर्स है. सो या आई थिंक इट्स ग्रेट जॉब बाय अक्षय कुमार एंड you know I hope you enjoyed this podcast. We wanted to change the tone a little and have some entertainment this time. So yeah, please feel free to subscribe to our podcast on YouTube and other apps, and please leave your comments and feedback, and thank you for joining us today. Thank you.